सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तुहाड़ा अपना कबड्डी कोच के एस निनी अज पहुंचे पंजाबी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बैक साइड से स्थित अखाड़े दे विच, जिसका कि पूरा नाम आर एस मलिक रैसलिंग अकैडमी है। ये पिंड सैफदीपुर जिला पटियाले दे विच ये बड़ी बाखूबी चल रहा अखाड़ा है। दोस्तों बहुत ही वधिया लोकेशन के उपर स्थित अखाड़े के जिहड़े चीफ कोच ने, मुख्य कोच ने, अज असी तुहानू उन्हां दे नाल इंट्रोड्यूस करवावांगे। उन्हां दे नाल आपां गल्लां सांझियां करांगे इस अखाड़े दे बारे, कुश्ती जगत दे बारे, इस अखाड़े दे नाल जुड़े पहलवानां दे बारे। आओ मिलदे हां दोस्तों पहलवान सुभाष मलिक जी नाल, जो इस अखाड़े दे माणयोग कोच साहब ने। नमस्कार मलिक साहब। पहलवान जी, सबसे पहले तो हमारे जो पंजाबी लाइव टी वी और सरदारी टी वी के दर्शक हैं उनसे रूबरू हुए, बहुत बहुत शुक्रिया पंजाबी लाइव टी वी और उनके प्रशंसकों का, जिन्होंने आप सबके रूबरू कराने का मौका दिया। इसके लिए मैं टी वी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। थैंक यू। मलिक साहब, एक जो मेरे पहले ही सवाल था जहन में और अब भी है, आप हरियाणा से हैं। यस। और हरियाणा में ही आपने रेसलिंग की है। यस। और वहाँ से यहाँ आने का सबब है जो, वो कैसे बना हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। मैं 1995 में यहाँ NIS का डिप्लोमा करने के लिए पटियाला में आया था जी। और पहले 6 महीने में ये डिसाइड कर लिया था यहाँ का माहौल, यहाँ लोगों की जो व्यवहार था उसको देख कर के अपनी जो बाकी की लाइफ है वो पंजाब में बिताऊंगा। और सबको कहना चाहता हूँ कि कुश्ती का जो माहौल है वो पंजाब से बेटर कहीं का भी नहीं। मैंने दिल्ली भी देखा है, सोनीपत हरियाणा रोहतक में भी देखा है, लेकिन जो पंजाब में है ऐसा माहौल कहीं भी नहीं है। और यहाँ एक गरीब से गरीब पहलवान भी अपनी पहलवानी को कर सकता है, क्योंकि जो पिंडों में गाँव में जो छिंज मेले होते हैं, जिनको इनाम की शक्ल में जो पैसे मिलते हैं, उससे उसको अच्छी खुराक मिलने का साधन मिलता है। एक बहुत अच्छा यहाँ का कल्चर है, यहाँ कोई प्रदूषण नहीं है, जो लोगों की सोच है वो पॉजिटिव है। और मेरी अपनी ओपिनियन है पंजाब से अच्छा कुछ। बिल्कुल दोस्तों, सानू माण है ते इस गल की खुशी भी है भी मलिक साहब जो बेशक हरियाणे नू बिलोंग करते हैं पर साडे पंजाबीयत ते पंजाबी दी मेहमान नवाजी जां साडे कल्चर तो इन्ना ज़्यादा प्रभावित ने भी वो अपने मूँहों कह रहे हैं पंजाब वर्गी स्टेट कोई नहीं है हिंदुस्तान दे विच। पहला असी अनऑफिशियल गल्लां कर रहे सी, उस वेले भी कह रहे सी भी इंडिया विच ही नहीं, मेरे निगाह दे विच तां मलिक साहब कहिंदे आ भी पूरी दुनिया दे विच पंजाब वर्गी स्टेट नहीं है। पर मलिक साहब एक सवाल आ, तुसीं कहा भी कुश्ती दा जिहड़ा माहौल आ वो पंजाब वर्गा किते नहीं हैगा, इन्ना खुशगवार ते वधिया माहौल आ कुश्ती दे लई, पर एक की इहनूं आपां दुखांत कह सकदे आ जां मंदभागी गल कह सकदे आ भी सब तों वधिया माहौल साडे पंजाब दे विच। यस। पर जिहड़े मैडल ने ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਇਸਕਾ ਯਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਬ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਰਨੇ ਲੱਗਤੇ ਹੈ ਤੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੋ NRI ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਸਕਾ ਦਖਲ ਹੋ ਜਾਤਾ, ਜੋ NRI ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਸਕੋ ਬੱਚਾ ਅਪਣਾਤਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਤਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯਹਾਂ ਵੀ ਗੇਮ ਕਰੇਂਗੇ ਲੜਕੇ ਜੋ 12 ਔਰ 15 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ प्रैक्टिस करेंगे तो ओलंपिक से मेडल यहाँ भी आ जाएंगे। और मैं तो बड़े दावे के साथ और बड़े फख्र के साथ कहता हूँ 85, 97 और 125 किलो के जो तीन भार वर्ग हैं उनमें पंजाब से तगड़ा कोई पहलवान हो ही नहीं सकता। यहाँ इतना टॉप टैलेंट है, इतनी टॉप ब्रिड है, हरियाणा और दिल्ली में, महाराष्ट्र में कहीं भी देखने को भी नहीं। फिर की कारण है, थोड़ा डिटेल या टेक्निकली सारे दर्शकों को दसोगे? यही है जी, लंबे समय तक है ना, लंबे समय तक प्रैक्टिस नहीं करते, तपस्या में कहीं ना कहीं कमी है। तपस्या में जो तपस्या वही करेगा जो जिसकी सोच लंबे समय तक गेम करने की सोचेगा कि भाई वे 4-5 साल में स्पोर्ट्स करके या तो नौकरी मिल जाए या मेरा वीज़ा लग जाए अमेरिका कनाडा का कहीं का भी तो मैं चला जाऊं, उससे तो मेडल आएंगे नहीं। मेडल तो जब आएंगे जब 12 और 15 साल लगातार अभ्यास करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, पहला भी मैं तुहानू दस्सिया भी गल्लां साडियां चल रहियां सी ते होर कोचस साहिबान दे नाल ते
जो चिंतक ने स्पोर्ट्स ने भी ये गल् साझिया करते हैं भी पंजाब का एक जो एक पॉजिटिव पक्ष भी इनू आप कह सकते हैं पर कितने कितने नैगेटिव पक्ष भी बनता जा रहा भी साढ़े बच्चे ने जोड़े नौजवान ने खास तौर पर भावें खिडारी ही ने भावें अपनी गेम के किसी भी पीक ते ने किसी भी दौर के उपर ने किसी भी स्थान के उपर ने मतलब परफॉर्मेंस के हिसाब न उसनू उत्थे ही छड के अद विचाले ही छड के विदेश जा जाने की जी तांगा उन्होंने हर वे रही है तो उत्थे छड के विदेश चला जाता है तो वो जी पिछले इन्ने पांच सत्त साल की तपस्या होंगी है वो उत्थे ही खड़ जाती है और सिट्टा की होंदा है भी वो बच्चा तो अपनी लाइफ के सैट हो जाता है पैसे के तौर पर माइक तौर पर फाइनैशियली पर जो साब आ मैडल तो जो मैडल उस बच्चे ने लैके आना हों उस तो वांझा रह जाता है। बिल्कुल जी अच्छा मलिक साहब जिदा तुसी ये दस्या भी जिहड़ा पंजाब दा मतलब पिछे रहन दा एक बहुत वड्डा कारण आ मतलब भी उनू कंटीन्यूअसली है ना स्पोर्ट्स नू करदे नहीं हैगे साडे जिहड़े नौजवान लंबे समय तक ते जो माहौल आ तुहाडे हिसाब नाल तुसी क्योंकि हरियाणे नू बिलोंग कर रहे हो उत्थे दा माहौल भी तुसी देखिया रैसलिंग दा है ना ते पंजाब दे माहौल तो भी हुण तुसी बड़े लंबे समय तो जुड़े हुए हो ना उस तो वाकफ थोड़े हिसाब न दोवें जगह दोवें स्टेटा के माहौल रैसलिंग दे वो की अंतर मैं तो जो मेरी जो थिंकिंग है या जो मेरी सोच है वो तो ये है कि पंजाब का हरियाणा से और दिल्ली से बेटर माहौल है वहाँ जो लड़के हैं वो इतने अनुशासित नहीं हैं जितने पंजाब के लड़के अनुशासित हैं और ये नहीं है कि भाई मैं पंजाब में रहता हूँ इसलिए ये बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ के लड़के अनुशासित हैं इस तरह की कोई बात नहीं है जो भी जुबान से निकलेगा वो सच निकलेगा सच के सिवाया कुछ भी नहीं निकलेगा तो जो यहाँ लड़के हैं ना उनका जो एम है ना एम थोड़ा छोटा है दूसरी प्रॉब्लम जो डोमेस्टिक रेसलिंग है उसमें जो जंग का यूज है वो भी एक हमारे मेडलों को दूर लेके जाता है मेडलों से दूर लेके जाता है। दर्शकों इतने मैं मलिक साहब की गल थोड़े साझी करनी चाहूँगा जंग का यूज आ जो पहलवानी की दुनिया के नाल संबंध रखने वाले तो सारे जानते हैं असी हर एक दर्शक नूं जो पहलवानी वाल इंट्रस्टड आ जां इसका दर्शक आ उसनूं दसना चाहते हैं भी जंगे का यूज आ जिहड़ा वो मतलब जिदा साडे छिंझा ते भलवान एक दूजे का लंगोटा फड़ के खड़ जाते हैं ना उन्होंने पहलवान जी उस प्रथा की गल कर रहे हैं जो कि इन्होंने कहने मुताबिक साड़ी कुश्ती बहुत पिछे लेके जा रही है वो जो एक प्रथा कह रहीए जो एक सिस्टम कह रही है जांगी पकड़न का सिस्टम। हाँ जी यस जे ये जो जांगे वाला सिस्टम है ना जांगे वाला सिस्टम भी हम बंद कर देंगे जो पिंडों में जो डोमेस्टिक रेसलिंग होती है डोमेस्टिक रेसलिंग का मतलब है जो मिट्टी की कुश्ती है उसमें अगर जे हम जाएंगे जाएंगे को भी बंद करने में कामयाब हो गए ना तो 90% रिजल्ट तो वैसे ही आने शुरू हो जाएंगे। जो पंजाब का पक्ष है ना जो हरियाणा और दिल्ली में कुश्ती करने वाले जो बच्चे हैं और जो यहाँ कुश्ती करने वाले बच्चे हैं इनका दिन और रात का ये भी फ़र्क है कि जो यहाँ ये जो बच्चे डाइट खाते हैं वहाँ कभी भी नहीं खाते यहाँ आम घर में वहाँ से अच्छी खुराक मिलती है बेसिक खुराक जो रसोई में तैयार करी जाती है रेस्लरन और इसका इसी लेकिन एक ही चीज़ की मैं तो जो ये जाएंगी पकड़ने की और लंबे समय तक जो कैरियर को लंबा नहीं लेके लेके जाते यही प्रॉब्लम है मेडल के लिए नहीं तो पीछे एक साबा है कुआड़ी गुरपाल है गुरपाल ने करोड़ वाला एक दंगल है गुड़गामा में उसमें तीन बहुत अच्छे पहलवानों को हराया और जब वहाँ पार्टिसिपेशन की बात थी तो गुरपाल पहले कहीं दिखाई नहीं दे रहा था अगर जो गुरपाल या सब भाई ये लड़के हैं ये लंबे समय तक पहलवानी करें तो मेडल आ जाएंगे कोई जो गुरपाल की जो प्राप्ति है वो साढ़े दर्शकों के साथ साझी करोगे तो दसोगे गुरपाल के बारे गुरपाल है ना गुरपाल ने करोड़ वाला एक दंगल हरियाणा में हुआ देश का पहला दंगल था जो इस लेवल का हुआ और उसने तीन पहलवानों को बहुत अच्छे पहलवानों को हराया युद्धवीर को भी हराया साहब बे को भी हराया और उसने हितेंद्र को भी हराया तीन पहलवानों को जो हितेंद्र है वो सुप्रेवी का नंबर वन माना जाता है हाँ
तो जो लड़के लंबे समय तक पहलवानी करेंगे वो मेडल लेके आएंगे, लेकिन जो ये साइड इफेक्ट जो हो रहा है वो ऊपरले वजनों में खास करके जो जाएंगे या पकड़ के कुश्ती लड़ते हैं, इस वजह से मेडल हमारे नहीं आ पाते। अगर जाएंगे कि प्रथा बंद हो जाए तो मेडल आ जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। और जो एक बार आने लगे तो फिर कभी बंद नहीं होंगे, फिर सदा ही आएंगे। कुछ सब जिदा तुम ये दसिया भी जी मैडल आने के रुकावट बनया हो जागी फड़न की प्रथा बहुत बड़ा कारण बन गया। तो मान लो बी अगले महीने तो जिदा हम छिंजा जो सीजन आ शुरू होने वाला है, उस तो ही एक तुहाडा ला बन जाता है, हर दंगल कमेटी वो कानून बना दें भी जागियां नहीं फड़न, उस तो किन्नी देर बाद जो रिजल्ट ने सानू मिलने लग जाएंगे? दो साल बाद रिजल्ट मिल जाएंगे। दो साल बाद है ना, जो लड़के जाएंगे पकड़ो भी तो 30 सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए पकड़ो, कोई है ना कोई टेक्निक लगाते हो पकड़ लो, लेकिन कुश्ती को है ना टेक्निक लगाने के लिए जाएंगे या नहीं पकड़ते? टेक्निक लगाने के लिए जाएंगे या पकड़ना गलत नहीं है, लेकिन कुश्ती को रोकने के लिए जो जाएंगे या पकड़ना ना वो ज़्यादा गलत है। उससे है ना, उससे मोमेंट नहीं हो पाते, जिन मोमेंटों की कुश्ती को ज़रूरत है, जिन मोमेंट करने से स्कोर होते हैं, जिन मोमेंट करने से स्कोर होएंगे तो फिर मेडल भी उन्हीं के आएंगे, जब खड़े खड़े रहेंगे तो फिर क्या होएगा, कुछ भी नहीं होएगा। अच्छा एक सर, हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਗੀਆਂ ਫੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਬੰਦ ਹੋਈ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ 1988 ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਨ 1988 ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆਇਆ ਥਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਵਾਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਥੇ ਉਹ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਥੇ ਜੋ گاਉਂ ਮੇਂ ਵੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਥੇ ਜਿਨ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਤੇ ਥੇ ਉਨਹੀਂ ਕੇ ਚਾਚੇ ਤਾਊ रेफरी हो जाते थे। और जब से वहाँ कोचों की संख्या NIS क्वालिफाइड कोचों की संख्या बढ़ी और तो वो रेफरी बनने लगे, और जब ऑफ सीटिंग का स्टैंडर्ड अप हो गया तो प्रदेश का स्टैंडर्ड वैसे ही अप हो जाएगा। ऑफ सीटिंग का स्टैंडर्ड है ना अप करने की बहुत ज़रूरत है। ट्रेंड लोग रेफरी बने, ट्रेंड लोग हार्ड डिसीजन देवें, कोई एक दूसरे की पार्शलिटी ना करें, अपने आप मेडल आ जाएंगे। पर मलिक साहब साढ़े पंजाब दे विच तां मैं देखिया ज़्यादातर छिंजा ने उपर जिहड़े साढ़े पुराने पहलवान ने वधिया पहलवान ने उही ऑफिशिएटिंग करदे आ, बेशक वो NIS नहीं हैगी ते उहनां दी ऑफिशिएटिंग तां मेरे ख्याल दे विच पाएदार होनी चाहीदी, उच्च पदरी होनी नहीं चाहिए। पता है जो क्वालिफाइड होना है ना वो बहुत जरूरी है, जरूरी है, जिसमें हर 3 महीने में 6 महीने के बाद में रूल चेंज हो जाते हैं। वो पुराने पहलवान आज से है ना, उन्होंने 25 साल पहले कुश्ती को अलविदा कह दिया था, संन्यास ले लिया था, अब तो आज वो लेटेस्ट रूलों को थोड़ा जानेंगे, लेटेस्ट वो नेशनल देखने के लिए नहीं जाते। हाँ, तो जो हर नेशनल देखेगा, हर कंपटीशन से जुड़ा होगा, वही रूलों के बारे में जानेगा, वो तो बेचारे सीधी सीधी ही कुश्ती कराने वाले लोग। मलिक साहब ऐसे जवाब तो थोड़े एक सवाल मेरे जहन दे विच आया, भाई तुसी पहला आप कुश्ती की थी, फिर तुसी बतौर एक स्थापित कोच NIS दे डिप्लोमा होल्डर कोच, तुहानू थोड़ी कुश्ती जो तुसी कुश्ती लड़ते होंगे सी उदों तो लैके कोच बनन तो बाद तो लैके हुण तक तुहानू किन्ना फर्क महसूस होया, भी किन्ने क पड़ावां चों गुजरी है कुश्ती ते उह किन्ना हुण तक फर्क महसूस हो रहा है? पहले है ना, पहले मैं आपको लंबी बता देता हूँ, जो भारतीय कुश्ती थी ना वो स्टैंडिंग कुश्ती हमारी वर्ल्ड से पहले भी मेल खाती थी, लेकिन जो ग्राउंड रेसलिंग थी वो हमारी बहुत पुअर थी। उसके कई कारण हैं, एक तो मैट नहीं थे, अखाड़ों में मैट नहीं थे, अगर अखाड़ों में मैट नहीं होंगे तो ग्राउंड में कितनी देर करेंगे, उस तरह की जो उस जो मैट पर कुश्ती लड़ी जाती है उसका डिफेंस नहीं सीख पाते थे। लेकिन जब से मैटों की संख्या बढ़ गई, जो फॉरेनर कोच भी आ गए, जब यहाँ भी कोचों की संख्या बढ़ गई तो ग्राउंड रेसलिंग भी ज़्यादा करने लगे, और 2000 के बाद में तो बहुत बड़ा चेंजिंग आया, बहुत बड़ा चेंजिंग आया। उससे पहले है ना, उससे पहले 1990 में हमारा एशियन गेम्स में मेडल आए थे, 2 मेडल आए थे। 94 में भी कोई एशियन गेम्स में मेडल नहीं आया, 98 में भी कोई मेडल नहीं आया, 2002 बुसान एशियन गेम्स में 1 ब्राउंज आया था। उसका एक कारण ये भी था कि जो रशिया के जो कंट्री टूट के आए थे, तो वो कुश्ती का सतर बढ़ गया तो मेडल हमारा सतर नीचे था, नहीं आए। लेकिन जो 10-12 साल का पीरियड उस सतर में लग गया, मेडल तो नहीं आए, लेकिन जो हमारे फिर पहलवान है ना वो
उस लेवल के बन गए, उनसे मुकाबले कर करके उस लेवल के बन गए। और 2006 के एशियन गेम्स में 5-6 मेडल आए थे, और 2008 का जो ओलंपिक का मेडल हो उसी का एक नतीजा है कि जो सुशील कुमार का मेडल आया, क्योंकि जो रसिया की जो कंट्री थी वो वर्ल्ड क्लास थी। पहले जब एशियन गेम्स होता था ईरान और मंगोलिया मतलब टॉप अपोनेंट होते थे, कोरियन और जापानी। हाँ तो ज़्यादा तो ईरानी और जापानी लगा लो। हाँ तो लेकिन अब है ना, अब तो 10-12 कंट्री हैं जो टॉप मुकाबला देते हैं। मलिक साहब केड़े कंट्री ने जिहड़े सानू बड़ा सख्त मुकाबला दे रहे हैं? रशिया नंबर वन है, अमरीका है, तुर्की है, बुल्गारिया है, ईरान है, और मंगोलिया है। जापान के 2-3 वजन बहुत अच्छे होते हैं, हाँ छोटे वजनों के जो होते हैं ना, वो उनके ओलंपिक से मेडल आते हैं वो बहुत अच्छे। और अब तो चाइना भी अच्छा कर रहा है। मलिक साहब सानू जा साड़ियों सरकारां नू जा साड़ी जिहड़ी फेडरेशन रेसलिंग फेडरेशन, उन्हां नू की अजिहा स्टैप लैणा चाहीदा जां किद्दां दा मैथड अपनाउणा चाहीदा जां किद्दां दी इक पॉलिसी अपनाउणी चाहीदी है वी असीं वी इन्हां देशां दे विचकार एक बहुत स्ट्रोंग पार्टिसिपेंट के तौर पर। जो बच्चे तीसरी और चौथी क्लास में पढ़ते हैं उनको ना स्कूल लेवल से कुश्ती कराना शुरू करें, उसमें एसोसिएशन भी अपनी भूमिका निभाएं और सरकार भी अपनी भूमिका निभाए, और जब ज़्यादा बच्चे कुश्ती करेंगे, अगर 10,000 बच्चे कुश्ती करेंगे तो उसमें से 8-10 तो निकल ही आएंगे, ओलंपिक के मेडलिस्ट ही निकल आएंगे। लेकिन पहले तो ये प्रथा थी, कुश्ती वो लोग करने लगते थे जो कहीं भी फिट नहीं होता उसको कहते थे पहलवान बना दो। लेकिन अब है ना, अब तो ये प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। पहले है ना, पहले मौसमी पहलवानी करते थे, लेकिन अब है ना, अब तो प्रोफेशनल वो अपना लिया, और इसीलिए देश का स्तर है ना अप हो गया। अब हिंदुस्तान का जो रेसलिंग का स्टैंडर्ड है वो वर्ल्ड क्लास है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी मेडल आते हैं, ओलंपिक से भी आते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी आते हैं, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में भी आते हैं, एशियन गेम्स में भी आते हैं, एशिया चैम्पियनशिप में भी आते हैं, सब जगह मेडल आने लगे। और उसका यही कारण होया अगर देश का सतर है ना वो अप हो गया। मलिक साहब सतर अप होने की वो गल है जी, आप पिछले जो एक प्रोफेशनल लीग चली सी टीवी के ऊपर, उस तो किदा थानू लगता भी कुश्ती नू बढ़ावा मिलिया? उस जो प्रो रेसलिंग चली सी उससे तो बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला, उन लोगों को भी कुश्ती का शौक हो गया जिन्होंने कुश्ती के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। और लोग टीवी से है ना चिपके बैठे रहे, और जहाँ तक मीडिया की भी रिपोर्ट है मेरे अंदाजे से तो ये है कि भाई क्रिकेट के बाद में सबसे ज़्यादा जो क्रेज था ना वो प्रो रेसलिंग का था, और उसमें जो हमारे पहलवान लड़ रहे थे वो जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप के मेडलिस्ट थे, एशियन गेम्स के जो मेडलिस्ट थे, एशिया चैम्पियनशिप के जो मेडलिस्ट थे, उनको हराया है यहाँ प्रो रेसलिंग। तो पहलवानों को इनाम की शक्ल में पैसा भी मिला है और कंपटीशन भी मिला है, तो उससे तो निश्चित है कि स्टैंडर्ड अप होगा, स्तर अप होएगा। हाँ अच्छा मलिक साहब एक गल होर जी मेरे जहन दे विच आउंदी है, भी जिद्दां तुसीं पहला जिक्र किया पंजाब ते हरियाणे की कुश्ती के माहौल के फर्क का, तो हुण आपां गल करदे आं भी पंजाब हरियाणे महाराष्ट्र, क्योंकि इन्हां तिना जगह के उपर जो कुश्ती के दंगल ने, खास तौर पर मिट्टी वाले दंगल, वो बहुत ज़्यादा वड्डी गिणती विच करवाए जाते हैं। पर जे आप देखिए भी पैसे पक्षों एक सुखद माहौल वजो, एक गुड एनवायरमेंट वजो है ना, एटमोसफेयर वजो, वो तुहानू कि स्टेट लगी है सब तो ज़्यादा पैसा तो कुश्ती प्यार करने वाले लोग कितों दे? पंजाब से, जो पंजाब है, पंजाब में कुश्ती का वो माहौल है पूरी दुनिया में भी कहीं नहीं। पूरी दुनिया की रिसर्च करवा लो किसी अच्छे प्रोफेसरों से, किसी डॉक्टरों से, किसी से भी जो आप कहते हैं जो स्पेशलिस्ट हैं रिसर्च करने के, पंजाब सबसे बेटर है। पंजाब जितना अच्छा कोई भी नहीं, महाराष्ट्र भी अच्छा नहीं है। महाराष्ट्र में भी अक्षेत्रवाद, जातिवाद ऐसे ऐसे चलता है, लेकिन पंजाब में कुछ भी नहीं चलता। यहाँ तो है ना, यहाँ तो जो तगड़ा हो तगड़ा ही है, इसमें यहाँ इस तरह का कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा माहौल है, और मैं तो परमात्मा से दुआ करता हूँ कि परमात्मा ऐसा ही माहौल बना के रखे यहाँ। दोस्तों
ਕਿੰਨੇ ਫਖਰ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਆ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ, ਸਿਖਾਵਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਤੀਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਤਕੜਾ ਉਹ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਮਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਕਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧਾਰ ਨਿਭਾਈ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਫਰਕ ਦੀ, ਮੈਟ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਟ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਬਈ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਮੈਡਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਮੈਡਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਿਊਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੈਰਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਆ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਂ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਕਾ ਫਾਰਮੈਟ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਵਨ ਡੇ ਕਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਐਸੇ ਜੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵੀ ਟੌਪ ਖੇਲਤੇ ਹੈ ਔਰ ਵਨ ਡੇ ਵੀ ਟੌਪ ਖੇਲਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਲੇਅਰ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਮੈਂ ਯੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੂੰ। ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਯੇ ਪਤਾ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਨ ਡੇ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੂੰ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੋ ਯੇ ਪਤਾ ਹੋ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਕੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੂੰ ਜਾਂ ਮੈਟ ਕੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੂੰ। ਇਤਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਤਨਾ ਉਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਅਪ ਹੋ, ਯੇ ਉਸਕੇ ਦਿਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋ ਹੋ ਮੈਂ ਤੋ ਮੈਟ ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੂੰ, ਮਿੱਟੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤਾ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਜੋ ਮੈਟ ਪਰ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੈ ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਮਿੱਟੀ ਕੁਛ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਤਨਾ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਪੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਮੈਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਤੋ ਅਬ ਤੋ ਸਰਕਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਟ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਜੋ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਜ਼ਬੇ ਕਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੀ ਕੇ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਪੋਰਟਸ ਕਾ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ, ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਕੀੜਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕੀੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੀੜਾ ਹੀ ਸਟਾਰ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੰਡੇ ਟਵੈਂਟੀ ਖੇਡਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟ 'ਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੁਛ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੁਛ ਵੱਖਰੀ? ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰੈਸਲਿੰਗ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰੈਸਲਿੰਗ ਐਜ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਾਏਂਗੀ ਆ ਪਕੜਨੇ ਵਾਲੀ ਉਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਏਂਗੀ ਆ ਪਕੜ ਕੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕੋ ਰੋਕਤੇ ਹੈ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ, ਅਗਰ ਜਾਏਂਗੀ ਨਹੀਂ ਪਕੜਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗਰਾਊਂਡ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਕ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਰੈਸਲਿੰਗ ਮੈਂ ਕਈ ਮੈਟ ਕੀ ਟੈਕਨੀਕ ਐਸੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਸੇ ਉਸਕੋ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਤਾ, ਅਗਰ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਫਾਲ ਹੋ ਜਾਏਂਗੇ। ਅਦੋ ਉਹ ਉਸਕੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੋ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਮੈਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਟ ਪਰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਟੈਸਟ ਔਰ ਵਨ ਡੇ ਕਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਸਨੇ ਫਰਕ ਬਣਾਇਆ। ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਬੈਟਸਮੈਨ ਥਰਡ ਮੈਨ ਵੱਲ ਖੇਡੂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਾਰ ਸਲਿੱਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਟੀ ਟਵੈਂਟੀ ਬਾਹਰ ਜਾਤੀ ਹੋਈ ਬਾਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦਾ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਈ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅ ਨੇ ਮੈਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਦਾਅ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖੁਰ ਫਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਖੁਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭਾਵ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਮੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਰ ਐੱਸ ਮਲਿਕ ਰੈਸਲਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ? ਇਸ ਕੋ 2011 ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾ, ਨਵੰਬਰ 26 ਨਵੰਬਰ ਕੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਹਮਾਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਬੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਯੂਕੇ ਮੈਂ ਰਹਿਤੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਮੈਂ ਰਹਿਤੇ ਹੈ,
उन्हीं की सुपरविजन में और उन्हीं के प्रताप से ये स्थापित हुई थी। हम तो एक तरह से सही पूछो तो यहाँ काम करने वाले वर्कर हैं। इसका बनाने का श्रेय भी उसी को है और इसकी परफॉर्मेंस आएगी उसका श्रेय भी उसी को है। और ना कभी बदले हैं ना कभी बदलेंगे। उन्होंने है ना शुरू में ही कहा था कोच साहब, शुरू में जब बनाते हैं ना मदद की ज़रूरत होती है, जब लोग हमें मिलते नहीं हैं, जब नाम हो जाता है तो लोग बदल जाते हैं, मगर ना बदलेंगे ना कभी झुके हैं ना झुकेंगे, ना बिके हैं ना कभी बिकेंगे। तो इसका जो सारा का सारा जो श्रेय जाता है ना वो सरदार मक्खन सिंह बैंस को जाता है। दोस्तों सरदार मक्खन सिंह बैंस जो कि इस खाड़े में स्पॉन्सर कर रहे हैं, उस साहब के दसने मुताबिक भाई उन्हों की बदौलत ये खाड़ा है जो होंद आया, तो उन्हों की बदौलत ही हूँ बुलंदियों भी छू रहा है। पर कोच साहब की बड़ी दरिया दिली है भी ये इन्नी मेहनत करते हैं, इन्हों की मेहनत नतीजा है भी अज ये खाड़ा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा, पर फिर भी ये कहते हैं भी मेरी प्राप्ति नहीं, ये सरदार मक्खन सिंह होर की प्राप्ति है। बेशक जेडे कोच ने उन्हों का ही ये मतलब एक एफर्ट हों एक यतन हों, उन्हों की बदौलत ही बच्चों ने मैडल लाते हैं, तो उन्होंने बदौलत ही जोड़े इस तरह के अखाड़े ज इंस्टीट्यूट ने वो सफलता के राह तुरते हैं। पर इस अखाड़िया ज इस तरह के इंस्टीट्यूट चलाने के लिए एक वीडी माइक मदद की सपोर्ट की लड़ होंगी है, जो सरदार मक्खन सिंह बैंस हो रहे हैं। तो असी अपने वालों पंजाबी लाइव टीवी सरदारी टीवी वालों भी उन्होंने शुभकामनावान देंदे हुए उन्हों का धन्यवाद करते हैं भी उन्होंने इस तरह का जो यतन आ वो करके इस अखाड़े की इतने स्थापना करके इस एरिए कुश्ती की एक पौध बीजी एक बूटा लाया जिसकी छावा हूँ बहुत दूर दूर तो असी देखिया। इतने हरियाणे तो होर कई स्टेटा तो कई जिलों तो पहलवान इतने रह के अपनी जी मेहनत आ कर रहे हैं, तो अपनी इस मेहनत के सदका वो काफ़ी मल्ला भी मार रहे हैं। तो एक दो मुंडिया ने हुणे हुणे रीसेंटली यूनिवर्सिटी के नैशनल लैवल से भी मैडल लेके आए हैं, तो उन्होंने हुणे हुणे डिपार्टमेंट भी ज्वाइन किए हैं सरकारी नौकरियां भी। मलिक साहब जी थोड़ी अकैडमी है आर एस रैसलिंग अकैडमी, ये आर एस मलिक अकैडमी, तो जिदा मलिक तुसी हो तो इस दे पिछे ही मलिक लगता है, ये किन्ना दे नाम से स्थापित की थी? ये फादर साहब के नाम से है, राजेंद्र सिंह मलिक। अच्छा जी। उनके नाम से बनाई थी जब मैं छोटा होता था 4 साल का, जब उनका देहांत हो गया था। अच्छा। और फिर दिल और दिमाग में थी कभी परमात्मा ने हमारे को इस काबिल बनाया तो उनके नाम को जरूर जीवित करेंगे, और उसी की प्रेरणा से फिर इसको बनाने का काम किया। बिल्कुल दर्शकों देखो अपने पिता जी के प्रति किनिया जड़ियाँ अपने कह रही एक भावनावान सगियाँ भी उन्हों का ना है जोड़ा वो दोबारा तो जीवित करना, तो बिल्कुल इस वेले पूरी कुश्ती जगत के जीवित किया हुआ है मलिक साहब ने अपने पिता सरदार राजेंद्र सिंह मलिक होरां का नाम। हुण असी गल इसी राजेंद्र सिंह मलिक अकैडमी की करते हुए अगे तोरते हुए गल करते हैं राजेंद्र सिंह मलिक अकैडमी रैसलिंग अकैडमी की प्राप्ति। हुण तक किन्ने मैडल इस दे इंटरवर्सिटी नैशनल लैवल चुके हैं? जितने भी कंपटीशन होते हैं चाहे वो स्टेट लेवल का है चाहे नैशनल लेवल का है, नेशनल में चाहे स्कूल नेशनल है, सब जूनियर नेशनल है या जूनियर नेशनल है या सीनियर नेशनल है या इंटर कॉलेज है या ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी है, इन सब में हमारे लड़कों के मेडल आते हैं। सारे कंपटीशनों में मेडल आते हैं और सब एज ग्रुपों में आते हैं। अच्छा। हाँ, और सब एज ग्रुप के बच्चे यहाँ रहते हैं। हुण तक लगभग कितने के मेडल आ चुके हैं? मेरे ख्याल में नेशनल में से 100 मेडल आ गए। 100 मेडल? हाँ। दर्शकों बहुत बड़ी माण वाली गल आ, 100 मेडल नैशनल दे विचों वो भी रैसलिंग दे विचों आ, बहुत ही वड्डी प्राप्ति है। क्योंकि साढ़े गुआंढ दे विच ही साडा गुआंढी जिहड़ा राज आ हरियाणा उही सानू अगे पार नहीं पैण दिंदा हैगा, नैशनल दे विचों मैडल लैके आउणा वाकई बहुत वड्डी प्राप्ति है। क्योंकि बहुत सख्त कंपीटीशन आ रैसलिंग दे विच, पर सरदार राजेंद्र सिंह अकैडमी दे जिहड़े ये भलवान ने ये पूरी इंडिया दे विच छाए हुए ने, ते 100 तो वध मैडल हुण तक जीत चुके हैं। तो पता नहीं कोच साहब के कहने मुताबिक हुण तक इंटरवर्सिटी स्कूल नैशनल स्कूलों के कॉलेजों के किन्ने मैडल जीत चुके हैं।
इंटरनेशनल लेवल पे भी इतने खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पे भी जो यहाँ हमारे पास लड़के रहते रहे हैं उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे भी मेडल आए हैं, वो एशिया जूनियर हो या एशिया कैडेट हो या वर्ल्ड एशिया वर्ल्ड जूनियर हो या कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप हो, उन सभी में मेडल आए हैं। दोस्तों बड़ी खुशी की गल है, इस बधाई दे पात्र ने मलिक साहब मक्खण सिंह बैस होरी इस अकैडमी के नाल जुड़े सारे ही अहदेदार पहलवान जिन्हों के कारण इतों के पहलवान एडिया वड्डिया वड्डिया प्राप्तियां हासिल कर रहे हैं, देश का इस अकैडमी का नाम पूरी दुनिया के कुश्ती जगत के मशहूर कर रहे हैं। मलिक साहब जिहड़े साडे पहलवान इस वेले मतलब जिन्होंने शुरुआत की आ जां जिहड़े शुरुआत कर चुके ने स्टार नहीं बने हैगे, उन्होंने तुसीं की संदेश देना चाहोगे? उनके लिए संदेश है कि वे कठिन परिश्रम करें और भगवान पर भरोसा करें, हर जगह से मेडल आएगा, तब की ज़रूरत है। बाकी तो सब सुविधाएं हैं ना, आज की कोई कहे कि मेरे को ये सुविधा नहीं मिल रही, वो सुविधा नहीं मिल रही, कोई गवर्नमेंट पर लालचन लगाता है, कोई किसी पर लगाता है, लालचन लगाने वाला अब हिंदुस्तान की पोजीशन नहीं रही। हर एक आदमी स्ट्रांग है, तो सिर्फ उसने लालचन लगाने को छोड़ कर के यार अपने काम पर ध्यान दे, कठिन परिश्रम करे, हर जगह से मेडल आएगा, हर जगह से मेडल गारंटीड मेडल आएगा। इन्होंने शब्दों के नाल मैं NIS कोच सुभाष मलिक जी होर तो विदा लेंदा होया इन्हों की इस अकैडमी जो कि इन्होंने पिता पूजनिक पिता सरदार राजिंदर सिंह मलिक होर के नाते बनी हुई है, इन्होंने इन्होंने प्रबंधकों स्पैशली मक्खण सिंह बैस होर मुबारकबाद दिता होया अपने पंजाबी लाइव TV और सरदारी TV वालों मुबारकबाद दिता होया इन्हों तो विदा लेना अते आस करदा भी इतों के प्लेयर ने जिहड़े इतों के जिहड़े रैसलर ने वो आने वाले समय के पूरी दुनिया के अपनी धाक दिखाएंगे। इस इन्होंने इजाजत लेने थैंक यू। मैं अपनी तरफ से सुभाष मलिक और रैसलिंग अकैडमी RS मलिक रैसलिंग अकैडमी की तरफ से पंजाबी लाइव TV वालों को शुभकामनाएं देता हूं और परमात्मा से दुआ करता हूं कि परमात्मा इनको इतनी शक्ति प्रदान करे कि ये हर इंसान की मनोकामनाओं को पूरा करने में सक्षम हो। थैंक यू।